नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। मेरे आसपास ये चौशाला का बालू कलायत रोड है और कल रात 12 बजे के आसपास लोगों ने देखा कि एक ज़ोरदार धमाका होता है और उसके बाद से यहां एक मिठाई की दुकान है और दूसरी तरफ किराने की दुकान है। तो मिठाई की दुकान का शटर दूर कहीं जाकर गिरता है और ये धमाका बताता है कि दोनों ही दुकानें धराशायी हो गई हैं। एक की छत पूरी तरह से गिर चुकी है और दूसरे की छत शटर पर अटकी हुई है, ये भी कभी भी गिर सकती है। और नुकसान बड़ा है, बड़ा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पिछले महीने बैग न्यूज़ पे अपने प्लेटफॉर्म पर हमने दिखाया था कि एक चोरी की वारदात भी इस किराने की दुकान में हुई थी और उससे पहले भी एक और चोरी की वारदात यहाँ पर हो चुकी है। तो नुकसान बड़ा है। गनीमत रही कि उस दौरान रात के 12 बजे के आसपास धमाके के वक्त कोई दुकान में था नहीं, इसलिए जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल का पूरी तरह से नुकसान हो गया है। फिलहाल आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए। क्या नाम है भाई? गुरमीत है सर। आप यहाँ इस दुकान का पड़ोस में रहते हो? हाँ, बस यही मकान है। अच्छा, तो क्या किस कंडीशन में मिली आप, मतलब आपको कैसे पता रात को 12 के करीब का टाइम था? मतलब के लगभग टाइम तो हमने देखा नहीं। अच्छा। तो अचानक से बहुत ज्यादा तेज आवाज आई, हमें ऐसे लगा कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ, तो यहाँ पे आके देखा तो ये दुकान गिरी हुई थी। इस कॉर्नर में आग लगी हुई थी, ये आग हमने मौके पे आके बुझाई है। अच्छा, बस ये कैसे भी सिचुएशन का पता नहीं लग रहा, कैसे गिरी है कैसे नहीं वो तो भगवान जाने। ये मतलब फिर आपने किसको सूचित करा पहले? मैंने सूचित करा वो जो दुकानदार है ना, हाँ, और महीपाल को। अच्छा। जो जिसकी है वो किराए पे ले रहा दुकानदार, तो अच्छा। महीपाल को किया सूचित, बाकी सारे पड़ोसियों को आवाज लगाई, सारे आगे तकरीबन साथ के साथ। अच्छा, ये इसी दुकान में धमाका होया या परली में भी? धमाका की तो आवाज़ तो ऐसी है, शटर की आई आवाज जैसे खड़का होते है ना, वो है ना गाड़ी गुड्डी का, ऐसे हुई है, खड़खड़ सी हुई है नहीं, जब रात को 12 बजे तो तब आए हम। धमाका की कोई आवाज़ नहीं थी, आवाज़ थी बस धमाका ही अलग हो है, लेकिन इसकी आवाज़ में तो यह थी कि कोई गाड़ी गुड्डी का एक्सीडेंट हो, इस आवाज़ में आए हम। तो इस में दुकान वाला तो पता भी नहीं था दुकान गिर रही है, वो तो आने के बाद पता चल गया। आने के बाद ये परली दुकान का नुकसान भी इसी की वजह से है? हाँ, सारा इसमें सारी चूकर दे के चारों ओर की दीवारें हिल रही है इसकी। क्या नाम है भाई? जसमेर सिंह है जी। यहीं पे अपना मकान है, यहाँ पे मैंने धमाका सुनिया, मतलब रात के 12:15 के बीच का टाइम है। अच्छा। धमाका सुन दे मैं बाहर निकले, तो आकर देखा तो पूरा आग भी लगी हुई थी और ये दुकान मतलब गिरी हुई थी। मतलब कितना आग लग रही थी वैसे? जैसे एक तो थोड़ा बहुत धुआं उठ रहा हो या? ना, धुआं तो काफ़ी उठ रहा था, हमारा घर तक भी गया धुआं तो। अच्छा, हाँ, मकान तक। हाँ, तो एकदम मतलब जैसे शटर वगैरह अलग हो रहे थे या दीवार? शटर तो वहाँ पे गोला के पार पड़े था। क्या नाम है भाई? अमित कुमार। ये दुकान आपकी है? हाँ, मेरी दुकान है। ये क्या हुआ है? पता नहीं जी, कुछ कहानी समझ में नहीं आई। मेरे पास तो पड़ोसी का फ़ोन आया था यहाँ से 12:20 पे कि आपकी दुकान में एक ब्लास्ट सा हुआ है और सारी दुकान सारा सामान सब ख़त्म है। मैं 12:20 पे यहाँ पहुँचा 2 मिनट बाद, तो यहाँ आकर देखा सब तहस नहस था, सारा सिस्टम ख़त्म था, कुछ भी नहीं इसमें बचा हुआ था। मेरी मिठाई की और जूस की दुकान थी। मिठाई और जूस की जी। तो कितना नुकसान हुआ इसमें? मेरा कम से कम 2.5 से 3 लाख का नुकसान है। सारा कुर्सी मेज फिटिंग सारा सामान कुछ भी नहीं बचा, आपके सामने है, कुछ भी नहीं बचा इसमें। मतलब कुछ पता नहीं चला अभी तक कि भाई के कारण रहे? अभी किसी कारण का पता नहीं चला कि किस कारण याद से हुआ है। आपने मतलब कंप्लेंट पुलिस में? पुलिस, हाँ, पुलिस को फ़ोन किया था 112 पे, वो 10 मिनट बाद तक पहुंच गए थे और कलाय थाना से भी एक गाड़ी आई थी, आईओ गुरुदेव पहुंचे थे, उन्होंने भी देखा है मौका, उन्होंने बोला कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, कल सुबह आ जाइए थाने में, FIR या पर्चा दर्ज कर दें, कुछ होगा तो देखते हैं। ये दो दुकानें थी, एक मेरी है और एक बाइक होशियार सिंह जो किठाना से है, उसकी परचून की दुकान है। मतलब उसको भी इसी वजह से नुकसान हुआ है उसकी दुकान? हाँ, इसी वजह से नुकसान हुआ है। इसमें थोड़ा बहुत आग लगने का कुछ समय लगा, इसमें धुआं भी था, रात में आगे आग भी बुझाई है, इसमें सामान भी जलता हुआ मिला गया है। और परली दुकान में आग का ऐसा कुछ नहीं था, वो इसकी ब्लास्ट होने की वजह से परली दुकान का भी छत गिर गया है, तो उसका भी काफ़ी नुकसान है। मेरे को तो सब ऐसे ही मिली, सब नीचे सामान दबा हुआ था, दीवार बाहर की तरफ गिरी हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे हम कोई दीवार मकान गिराते हैं तो उसको धकेलते हैं तो वो एक तरफ निकलता है,
ये चारों दीवार चारों साइड गिरी हुई थी। अच्छा। छत है वो दुकान में गिरी हुई थी। मेरा शटर है जो है वो सड़क पार दूसरी कच्ची साइड में गिरा हुआ था। तो मतलब एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है जी। और ये भी है कि मैं यहाँ सिलेंडर तक नहीं रखता हूँ, मैं ये मान के चलूँ कि सिलेंडर फटा है ऐसा कुछ हुआ, ऐसा भी कुछ नहीं। सिलेंडर इन्वेटर वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और शॉर्ट सर्किट की बात रही तो इसमें सारे मेरे जो प्लग हैं बोर्ड है वो सब सेफ हैं और सारे स्विच ऑफ थे, ऑफ करके मैं गया था।